नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज और मैं हूं आकाश द्विवेदी। जहां एक तरफ देश में एनआरसी सीएए के विवाद को लेकर कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, लोग धार्मिक उन्माद फैलाने का भी काम कर रहे हैं। इस पूरी घटना को हिंदू मुसलमान से जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन आज हम अपनी एक खास रिपोर्ट में एक ऐसी शख्सियत के बारे में दिखाएंगे जो मुगलिया सल्तनत में हिंदू मुसलमान को जोड़े रखने का काम किया था। आज जिस तरीके से धर्म को बढ़ावा देकर एक दूसरे के प्रति खटास बोने का काम इस देश में कुछ राजनेता कर रहे हैं, उन राजनेताओं के इस कृत्य पर इस शख्सियत का गहरा प्रभाव पड़ना चाहिए। अगर हम इतिहास खंगालें तो मुगल इतिहास में हिंदू और मुसलमानों को नज़दीक लाने की जितनी पुरजोर कोशिश दारा शिकोह ने की थी, उतनी शायद ही अकबर के अलावा किसी और ने की। 10 सितंबर 1642 को शाहजहां ने औपचारिक रूप से दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। उन्होंने अपने जीवन काल में हिंदू और मुसलमानों को जोड़े रखने का प्रयास किया। एक कहावत है जो मुगल सल्तनत के बारे में मशहूर है कि यहाँ एक फारसी कहावत का बोलबाला रहा है, तख्त या ताबूत यानी कि सिंहासन या कब्र। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो शाहजहां ने अपने भाइयों को मारने का आदेश दिया था, लेकिन शाहजहां के सबसे प्रिय और सबसे बड़े बेटे दारा शिकोह एकदम विपरीत थे। उन्हें ना किसी चीज का लालच था और वो अपने धर्म के साथ हमेशा सभी धर्मों का सम्मान करते थे। इसीलिए उन्हें सातवें सिख गुरु हर राय के साथ दोस्ती बढ़ाई, जिसके बाद से दारा शिकोह ने इस्लाम और हिंदू धर्म के बीच एक सामान्य रहस्यमय भाषा खोजने की दिशा में बहुत ज्यादा प्रयास किया। दारा शिकोह हमेशा अपने उदार चरित्र, नम्रता और धर्म में भेदभाव न करने को लेकर हर वक्त कट्टरपंथी मुसलमानों की नजरों में चढ़े रहते थे, जिसकी वजह से कट्टरपंथियों ने उन पर इस्लाम के प्रति दुष्प्रचार फैलाने का आरोप लगा दिया था। इन हालातों का सबसे ज्यादा फायदा दारा के तीसरे भाई औरंगजेब ने उठाया था। दारा ने 1653 ईस्वी में कंधार की तीसरी घेराबंदी में भाग लिया था। दारा शिकोह ने दादर के अफगान सरदार जीवन खान का आतिथ्य स्वीकार किया, लेकिन मलिक जीवन खान गद्दार साबित हुआ। गद्दार मलिक ने दारा शिकोह को औरंगजेब की फौज के हवाले कर दिया था, जिसके बाद दारा को बंदी बनाकर दिल्ली लाया गया, जहां औरंगजेब के आदेश पर उसे भिखारी की पोशाक में एक छोटी सी हथिनी पर बैठाकर सड़कों पर घुमाया गया और इसके बाद मुल्लाओं के सामने उसके खिलाफ मुकदमा चला और धर्मद्रोह के आरोप में मुल्लाओं ने उसे मौत की सजा दी। 30 अगस्त 1659 और 9 सितंबर 1659 को इस सजा के तहत दारा शिकोह का सर काट लिया गया। उसका बड़ा पुत्र सुलेमान पहले से ही औरंगजेब का बंदी था। 1662 ईस्वी में औरंगजेब ने जेल में उसकी भी हत्या कर दी। हर धर्म का सम्मान करने वाले दारा शिकोह का अंत इतनी क्रूरता से। भारत को अनेकता में एकता का अस्तित्व माना जाता है, लेकिन जिस तरह से आज भी हर धर्म के नाम पर लोग धर्मवाद की राजनीति खेलने लगते हैं, ये देश के लिए खतरनाक है। तो लाइव 24 न्यूज़ की ओर से आप सभी दर्शकों से ये अपील है कि धर्मवाद के जाल में ना फंसे, इंसानियत को पहचाने और उसको बढ़ावा दें। अब तक के लिए बस इतना ही। देश दुनिया के तमाम ताज़ातरीन खबरों को देखने के लिए देखते रहें लाइव 24 न्यूज़। धन्यवाद। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे अलाइव 24 न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।